नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी की क्षेत्रीय भाषा साहित्य में ब्रज भाषा साहित्य के अंतर्गत आज की कक्षा का प्रकरण है उद्धव शतक की व्याख्या का भाग एक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में उद्धव शतक के प्रारंभिक 20 छंदों को लिया गया है, तो उन सभी 20 छंदों की व्याख्या हम अलग अलग भागों में बांट कर करने का प्रयास करेंगे। तो व्याख्या के पहले भाग में हम देखेंगे उद्धव शतक के विषय में कि क्या इसकी कथा वस्तु है, कैसे ये प्रारंभ हुई है इसकी कथा वस्तु, और तीन छंदों की व्याख्या करेंगे। तो तीन तीन छंदों में बांटकर हम संपूर्ण 20 छंदों की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उद्धव शतक रीतिकालीन परिपाटी तथा भक्तिकालीन आत्मा को लेकर के समन्वय के साथ निर्मित किया गया है, और इस भ्रमर दूत प्रसंग में नवीन उद्भावनाओं और मौलिकता का सामंजस्य किया है कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। रत्नाकर जी ने प्रस्तुत भ्रमरदूत प्रसंग को एक नई दृष्टि प्रदान की है, क्योंकि इसमें इन्होंने श्री कृष्ण के तुल्य अनुराग को प्रस्तुत किया है कि जिस तरह से गोपियां श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में आकंठ डूबी हैं, वो दिन रात सिर्फ विरह की वेदना में जल रही हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की अंतर्दशा भी उनसे कुछ भिन्न नहीं है। तो यहाँ पे पहला छंद जो है उसकी पृष्ठभूमि यह है कि श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के साथ यमुना में स्नान हेतु जाते हैं, और वहाँ उनको एक मुरझाया हुआ कमल का फूल जल में बहते हुए दिखाई देता है। वे उस पुष्प को उठाकर जैसे ही अपनी नासिका से लगाते हैं, उनकी स्मृति राधा की तरफ चली जाती है, अर्थात उस पुष्प की सुगंध से उन्हें राधा के अंग प्रत्यंग की सुगंध का भान होने लगता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उद्धव शतक की व्याख्या का भाग एक। नहात जमुना में जले जात एक देख्यो जात। अब यहाँ पे जात शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक जलजात अर्थात जल में उत्पन्न हुआ अर्थात कमल, और दूसरा जात यानी जाता हुआ बहता हुआ। तो यमक अलंकार पहली ही पंक्ति में। तो रत्नाकर जी कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव के साथ यमुना स्नान हेतु गए थे, और यमुना में उतरते ही क्या होता है कि नहात जमुना में जले जात एक देख्यो जात जाको अध उरध अधिक मुरझायो है। कि नहाते समय श्री कृष्ण यमुना में एक कमल को बहते हुए जाता हुआ आगे देखते हैं, और जिसका अध उरध अर्थात ऊपर और नीचे दोनों ही भाग जो हैं अत्यधिक मुरझाए हुए हैं। कहे रत्नाकर उमग गही श्यामता ही बास बास नासो नैकु नासिका लगायो है। कि रत्नाकर कहते हैं कि उस पुष्प को देखते ही अचानक ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण के मन में कोई भावना आती है, और वो उमग करके उसको उठा लेते हैं और उसकी सुगंध को अपनी जो है इंद्रियों द्वारा अनुभव करने के लिए उसकी बास उसकी सुगंध को लेने के लिए प्राप्त करने के लिए उसको अपनी नाक से नासिका से लगाते हैं। त्यों ही कछु घूमे झूमे बेसुध भये के आए पाँव परे उखरे अभाए सुख छायो है। कि जैसे ही वे उसको उसकी सुगंध लेने के लिए अपनी नासिका से लगाते हैं, त्यों ही वो झूम करके बेसुध हो जाते हैं, अर्थात उनके ऐसा लगता है कि जैसे उनको चक्कर सा आता है और कुछ घूम करके वो बेसुध हो जाते हैं, अपने अंग प्रत्यंग की जो है वो स्मृति भूल जाते हैं, और उनके पैर उखड़ जाते हैं अर्थात वो गिर पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वो हाय करके उचे अचेत हो जाते हैं, तथा उनके मुख पर एक अनोखा सुख जो है वो छा जाता है।
पाए धरी द्वैक में जगाई ल्याई उद्धव तीर, कि उद्धव जो है उनकी तरफ उनको को इस अवस्था में घिरा हुआ देख करके जाते हैं भाग कर, और उनको तुरंत जो है वो किनारे पर लेके आते हैं और उन्हें होश में लाने का, उनकी जो तंद्रा है उसको भंग करने का प्रयास करते हैं कि किसी तरह वो होश में आ जाएं। राधा नाम कीर जब औचक सुनायो है, और उनकी जो शून्यता है वो उनकी बेहोशी जो है कब टूटती है, जब एक कीर अर्थात एक तोता एक पक्षी राधा के नाम का अचानक उच्चारण कर देता है, और राधा नाम का शब्द उनके कानों में पड़ते ही उनकी तंद्रा टूट जाती है, वो होश में आ जाते हैं। तो बड़ी ही सुंदरता के साथ रत्नाकर कमल की तुलना राधा से करते हैं कि वे कहते हैं कि अधकिला फूल अर्थात राधा का मुख कमल भी श्री कृष्ण की विरह में मुरझा गया होगा, और उस मुरझाए कमल को देख करके श्री कृष्ण को राधा की स्मृति हो आती है, और इसी कारण वो उसको उमक करके उठाते हैं और उसकी सुगंध लेने के लिए नासिका से लगाते हैं, परंतु उसकी सुगंध से तो उन्हें पूर्णतः राधा की स्मृति अपने अंतर में बांध लेती है, वे बेसुध हो जाते हैं, चक्कर खा के गिर जाते हैं, उनके मुख पर एक अनोखा भाव छा जाता है, और उनकी इस स्थिति को देख करके तत्क्षण उद्धव उन्हें किनारे पर लाते हैं, और उन्हें होश तब आता है जब एक कीर एक शुक एक तोता जो है राधा नाम का उच्चारण करता है। तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। और नहात जमुना में देखो जल जात जात में अनुप्रास तथा सभंग पद यमक अलंकार है। नहात जात झूमि झूमि पाए अभाय में ध्वनि साम्य अथवा पद मैत्री भी दिखाई देती है। ब्रज भाषा का सहज सुंदर और प्रांजल प्रभाव दर्शनीय। आए भुज बंध दिए उद्धव सखा के कंध, कि फिर उसके पश्चात तो यमुना के तीर पर से श्री कृष्ण को उद्धव अपनी भुजाओं से बांध कर अर्थात अपने सखा श्री कृष्ण को उद्धव अपने कंधे और अपने भुजाओं का सहारा देकर आश्रय देकर महल तक लाते हैं। डगमग पाए मग धरत धराए हैं, परंतु ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण अभी भी एक अजीब सी खुमारी में डूबे हुए हैं और उनके पैर डगमगा रहे हैं, अर्थात अपनी भुजाओं से पकड़कर उन्हें कंधे पर सहारा दे करके उद्धव उन्हें घर तक लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण एक अजीब एक अनोखी जो है वो दशा में डूबे हुए हैं, उनके पैर धरती पर सीधे नहीं पड़ रहे हैं, वे डगमगाते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहे रत्नाकर ना बुझे कछु बोलत ओ, और रत्नाकर कह रहे ना वो कुछ बोल रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं। खोलत न नैन हूँ अचैन चित्त छाए हैं, वो अपनी आंखें भी नहीं खोल रही हैं। रत्नाकर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की दशा ऐसी हो गई है कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, ना तो वो कुछ बोल रहे हैं ना ही नेत्र खोल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी अर्ध निद्रा में डूबे हुए हैं। पाई बहे कंध में सुगंध राधिका को मंजू, रत्नाकर कहते हैं कि बहते हुए कमल के पुष्प में राधिका की सुंदर सुगंध को अनुभव करके ध्यान कदली बन मतंग लो मताए हैं, कि उसके ध्यान से वो इस प्रकार उन्मत्त हो गए हैं कि जिस प्रकार गज की पंक्ति गज का समूह कदली बन के ध्यान में खो करके उन्मत्त हो जाता है। कदली बन अर्थात केले का बन, तो राधिका की सुंदर सुगंध उन्हें मत अर्थात उन्मुक्त कर रही है। किस प्रकार? जिस प्रकार हाथियों का समूह केले के बन को ध्यान में लाकर उन्मत्त हो जाता है। कान गए यमुना नहान पे नए सिर सो नीके तहां नेह की नदी में नाई आए हैं, कि भैया कान्हा गए तो थे यमुना नदी में स्नान करने, पर वे एक नए सिरे से वहाँ जा कर के स्नेह की अनोखी नदी में स्नान कर आए हैं। कि कह रहे हैं कि
कमल से राधा के शरीर की सुगंध के समान सुगंध को अनुभूत करके श्री कृष्ण कदली वन का ध्यान करने वाले मस्त हाथी के समान हो जाते हैं। और रत्नाकर कहते हैं कि यद्यपि गए तो थे श्री कृष्ण यमुना में स्नान करने, परंतु वहाँ से वे एक नए रूप में प्रेम की नदी में भली भांति स्नान करके लौट आए हैं। कै कंद धरत धराए सिर सौ नीके तहा नेह की नदी में आदि जो है वो स्थलों पर हम देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार का चमत्कार है। ध्यान कदलीबन मतंग लौ में उपमा तथा स्नेह की नदी में रूपक अलंकार है। श्री कृष्ण की विरह की दशा और राधा के प्रति अनन्य प्रेम का मार्मिक चित्रण इस छंद में किया गया है। बड़ा ही सुंदर छंद है कि जहां हम श्री कृष्ण के तुल्य अनुराग को अनुभूत कर सकते हैं कि सिर्फ राधा ही श्री कृष्ण के प्रेम में सब कुछ नहीं भूल गई हैं, बल्कि श्री कृष्ण भी राधा और समस्त ब्रजवासियों के प्रेम में आकंठ डूबे हुए हैं। दूर देख दूर हीते दौरी पौरी लगे भेट लियाई आसन दे सासन सपेट सकुचानिते। कि दूसरे दिन का वर्णन है कि उस दिन तो उद्धव अपने जो है वो सखा को एक अनोखी एक अजब दशा में छोड़ करके चले आते हैं, और दूसरे दिन जब वो श्री कृष्ण की स्वस्थता का हाल चाल जानने के लिए पुनः महल जाते हैं तो किस तरह से श्री कृष्ण दौड़ कर उद्धव को अंक में भर लेते हैं, उनसे मिलने के लिए आतुर हो उठते हैं। इस प्रसंग का वर्णन रत्नाकर ने किया है कि देख दूर ही ते दौरी पौरी लगी भेट लाई। कि दूसरे दिन जैसे ही उद्धव अपने मित्र की स्वस्थता का हाल जानने के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ क्या होता है कि दूर से ही देख करके दौड़ पड़ते हैं श्री कृष्ण और द्योड़ी तक पहुँच जाते हैं। दौरी पौरी लागी भेंट लाई और उनसे भेंट कर लेते हैं। आसन दे सासन समेट सकुचानते, अपनी बढ़ी हुई तेजी से चल रही सांसों को समेट कर वो उन्हें आसन दे करके बैठने के लिए कहते हैं। कहे रत्नाकर यूं गुणन गोविंद लागे जौलो कुछ भूले से भ्रमे से अकुलानिते। कि रत्नाकर कहते हैं कि उस स्थिति में श्री कृष्ण भावनाओं के प्रवाह में पड़कर अपनी स्मृति और बुद्धि को ऐसा लगता है मानो खो बैठे हैं और वो कुछ सोचने लगते हैं। गुणन लागे कि गोविंद कुछ ऐसे गुनने लगते हैं सोचने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो वो कुछ भ्रम में पड़े हुए हैं या कुछ भूल गए हैं और इस कारण अत्यंत व्याकुल दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थात ऐसा लग रहा है कि मानो वो कुछ भूल कर भ्रम में पड़कर एकदम अकुलाई हुई अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। कहाँ कहें उधो से कहें तो कहाँ लोग कहें। कि ऐसा लग रहा है मानो श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि वो अपने मन की बात उद्धव से कहाँ से शुरू करें, किस प्रकार प्रारंभ करें, और यदि प्रारंभ भी कर दे तो कहाँ तक किस स्थिति तक वो अपने मन की बात को उद्धव को समझा पाएंगे। कैसे कहें पुनि कौन सी उठानी थे। कि भैया वो सिलसिला बातों का किस प्रकार शुरू करें और किस प्रकार से वो अपनी मन की बातों को उद्धव के सामने रखें। कौन थी उठान से कि किस घटना से वो अपने मन की बात उद्धव के सामने रखना प्रारंभ करें, अर्थात श्री कृष्ण बड़े असमंजस में हैं कि वो किस प्रकार अपने मन की तहों में छिपी हुई स्मृतियों को बातों को अपने मन की भावनाओं को उद्धव के सामने प्रस्तुत करें। तोलो अधिकाई ते उमंग कंठ आई भिजे। कि रत्नाकर कह रहे हैं कि प्रबल उत्कंठा तौलो अधिकाई कि एकदम भावनाओं के उच्छ्वास के कारण उच्च वेग के कारण अतिशयता के कारण उनका गला रुंध आता है कंठ भिज आता है और नीर होए बहन लागी बात अखियान से। कि ऐसा लगता है कि उनके मन की बातें आंसू बन करके उनकी आँखों से बहने लगती हैं। बड़ा ही सुंदर और मन को छू लेने वाला द्रवित कर देने वाला प्रसंग है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन की बात किसी अपने आत्मीय से बांटना चाहता है और तो किस तरह की चेष्टाएं उसके जो है वो व्यवहार में हम देखते हैं, किस तरह से यदि हम
कोई एक बहुत ही अपने प्रिय बात, अपने मन का भेद किसी से बताना चाहते हैं तो किस तरह से हम भ्रम में पड़े रहते हैं कि बताएं या ना बताएं, और जब बताने लगते हैं तो किस तरह से जो है भावना की अतिशयता के कारण हमारा गला भर आता है और हमारे आंसू अपने आप ही निकलने लगते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि श्री कृष्ण वो यही मन में सोचते रहते हैं कि हम अपने मन की बात, ब्रजवासियों के प्रति अपने प्रेम की बात, अपना संदेश उद्धव से भला कहाँ से शुरू करें, किस प्रकार, कौन सी घटना से प्रारंभ करें और किस तरह से हम अपने मन को पूरा खोल करके रख दें उद्धव के सामने। और इसी भावना की अतिशयता के कारण उनका कंठ भराता, उनका गला भराता है और अचानक ही प्रबल अश्रुपात होने लगता है और ऐसा लगता है कि मानो उनकी मन की बातें, मन की भावना आंसू बन करके आँखों से बहने लगती हैं। कहते ना कि जब हम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तो भी आंसू हमारे नेत्रों से बहने लगते हैं और जब हम अत्यधिक दुखी होते हैं तो भी आंसू ही निकल करके मन का भेद सामने लाते हैं। तो बड़ी ही मार्मिक व्यंजना है, प्रेम की अनिर्वचनीयता यही इस छंद की प्रमुख विशेषता है। आसन देशासनी में हम देखते हैं कि ध्वनि साम्य है और बात का अर्थात मन की भावना का यहाँ पे मानवीकरण किया गया है कि नीर होए बहने लागी बात अखियांते, तो बात का मानवीकरण किया गया है। देखी दूरी सासन समेट सकुचानी, गुणन गोविंद भूले से भ्रमे, कहाँ कहें कैसे कहें आदि शब्दों में हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनी है। तो बहुत ही सुंदर छंद है तथा श्री कृष्ण की दशा और चेष्टाओं का मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है। तो इस छंद में हमने प्रारंभिक 3 छंद देखे, अब अगली कक्षा में हम इसके आगे के छंदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।